तो व्हाट्सअप गाइस, आशा करता हूँ आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो हम आ चुके हैं एक और न्यू वीडियो के साथ। सो फ्रेंड, तो इस वीडियो में हम आपको सिखाने वाले हैं कुछ इस प्रकार की फ़ोटो एडिटिंग, कुछ इस प्रकार की येलो टोन फोटो एडिटिंग। अगर आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देख लीजिएगा तो आपको भी सीख जाइएगा कुछ इस प्रकार का येलो टोन फोटो एडिटिंग करना। या इस प्रकार की फ़ोटो हम आपको सिखाने वाले हैं लाइटरूम एप्लीकेशन की सहायता से इस प्रकार के फ़ोटो को कैसे एडिट करें। सो दोस्तों, तो बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं, चलते अपने फ़ोन के स्क्रीन पे। सो दोस्तों, हम आ चुके अपने फ़ोन के स्क्रीन पे। तो सबसे पहले आपको गैलरी को ओपन करना है। गैलरी को ओपन करने के बाद आपको एक फ़ोटो को ले लेना है जिसको आपको एडिट करना है। तो हम आज इस फ़ोटो को एडिट करने वाले हैं, तो इस फ़ोटो पर टैप करना है और इस फोटो को आपको लाइटरूम में शेयर करने के लिए करना क्या है, आपको यहाँ शेयर वाले आइकन पर क्लिक करना है। जैसे ही शेयर वाले आइकन पर क्लिक कीजिएगा आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। तो आपको करना क्या है, जहाँ आपका लाइटरूम ऐप है उस पर आपको टाइप करना है। एक बार टाइप करना है। तो आपको एक बार में नहीं जाएगा तो आपको करना क्या है, फिर से शेयर वाले आइकन पर क्लिक करना है, फिर से आपको लाइटरूम पर क्लिक करना है। तो आपका फ़ोटो कुछ इस प्रकार का ऊपर की साइड से आपको एक नोटिफिकेशन आएगा लाइटरूम फॉर सैमसंग, तो आपको उसके ऊपर टाइप करना है। जैसे ही टाइप कीजिएगा आपका फ़ोटो डायरेक्ट लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर शेयर हो जाएगा। सो फ्रेंड, तो हमारा फाइनली फ़ोटो लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर शेयर हो चुका है। चलिए इस फ़ोटो को हम पहले क्रॉप करते हैं। क्रॉप की साइड हो चुका है। तो इस फ़ोटो को सबसे पहले आपको एडिट करने के लिए करना क्या है, सबसे पहले आपको लाइट वाले आइकन पर क्लिक करना है। लाइट वाले आइकन यानी आपको यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होगा। तो आपको करना क्या है, जो ब्लैक्स का ऑप्शन है इसको थोड़ा सा माइनस कर देना है, 25 करके रख लेना है। और जो वाइट का ऑप्शन है उसके ऊपर में इसको आपको 28 करके रख लेना है। और जो ये शेडो का ऑप्शन है, ये शेडो का इसको भी आपको थोड़ा सा प्लस कर लेना है, 30 करके रख लेना है। और जो हाईलाइट्स का ऑप्शन है इसको आपको थोड़ा सा माइनस क्योर कर देना है। और जो कॉन्ट्रास्ट एक्सप्लोजर इसको आपको नहीं रखना है, इसको आपको छेड़छाड़ नहीं करना है, वैसे ही रहने देना है। सो दोस्तों, हमारा फ़ोटो में लाइट एडजस्ट हो चुका है। अब अपने फ़ोटो को कलर टोन यानी येलो टोन में कन्वर्ट करने के लिए आपको करना क्या है, यहाँ आपको कलर वाले आइकन पर क्लिक करना है। आपको यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होगा। सो फ्रेंड्स, तो आपको करना क्या है, जो इधर आइकन में आपको मिक्स का ऑप्शन है, आपको मिक्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार का आएगा, ह्यू सेचुरेशन लुमिनस, ये सारे कलर है। सारे कलर में जैसे ही टैप कीजिएगा तो आपके सामने ह्यू सेचुरेशन एंड लुमिनस का ऑप्शन आएगा। तो सबसे पहले आपके स्किन के कलर को सही करने के लिए आपको आना है ऑरेंज टोन पर। आपको फ़ोटो को जूम करके बता देता हूँ। जैसे ही ये सेचुरेशन है, सेचुरेशन को आप माइनस कीजिएगा तो आपका फेस थोड़ा वाइट हो जाएगा, वाइट करके हो जाएगा। और जो लुमिनस है इसको बढ़ाइएगा तो आपका फेस थोड़ा और वाइट हो जाएगा। देख सकते हैं मेरा फोटो वाइट हो चुका है। सो दोस्तों, तो अब आपको अपने फ़ोटो को येलो टोन देने के लिए करना क्या है। सो फ्रेंड्स, क्या आपको यहाँ येलो वाले कलर पे क्लिक करना है, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो इसके सेचुरेशन है, ये सेचुरेशन की वैल्यू को आपको नहीं छेड़ना है, रहने देना है। सेचुरेशन की वैल्यू को रहने देना है। जो ह्यू का ऑप्शन है इसको आपको माइनस की ओर कर देना है, पूरा माइनस कर देना है। आपको सेचुरेशन को भी प्लस कर देना है, प्लस आपको थोड़ा सा कर देना है। और आपको आना है ग्रीन वाले कलर पर, इस वाले कलर को सिलेक्ट करना है। जो इसका ह्यू है इसको आपको पूरा माइनस की ओर कर देना है, थोड़ा सेचुरेशन को प्लस कर देना है। उसके बाद आपको इस वाले कलर पे इस वाले कलर को सिलेक्ट करना है। इसका ह्यू आपको कुछ इतना करके मीडियम करके रख लेना है। इसका सेचुरेशन आपको थोड़ा सा प्लस की ओर कर देना है। आप देख सकते हैं, आप हमारा आपको 13 इतना करके रख लेना है, आपको 13 और 35 करके रख लेना है। और अपने फ़ोटो को यहाँ से आपको डन करना है। चलिए अपने फ़ोटो को डन करते हैं। देख सकते हैं हमारा फ़ोटो बिफोर एंड आफ्टर। सो दोस्तों, तो आपको करना क्या है, अपने फ़ोटो को थोड़ा अपने फेस को स्मूथ करने के लिए आपको यहाँ ना इफेक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। आपको टेक्चर की वैल्यू को आपको थोड़ा सा प्लस करना है, क्वालिटी का वैल्यू को भी आपको थोड़ा सा प्लस करना है। जो विग्नेट का वैल्यू इसको आपको थोड़ा सा माइनस करना है, माइनस आपको 32 करके रखना है। क्वालिटी को आपको 15 करके रखना है, टेक्चर को आपको 18 करके रखना है। सो दोस्तों, अब आपको करना क्या है, अब आपको यहाँ से आना है
डिटेल वाले ऑप्शन पे, डिटेल वाले ऑप्शन को क्लिक करना है। जो सबसे ऊपर जो शार्पनिंग का ऑप्शन है इसको आपको थोड़ा सा प्लस करना है, प्लस करना है। जो डिटेल का ऑप्शन है इसको आपको पूरा 100 कर देना है। जो रेडियस का ऑप्शन है इसको आपको भी 100 कर देना है। और जो ये मार्क्सिंग का ऑप्शन है इसको आपको भी 100 कर देना है। सो दोस्तों आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। जो ये नॉइज रिडक्शन है इसको आपको पूरा 100 कर देना है। जितने भी ऑप्शन है इसको भी आपको 100 कर देना है, इसको भी आपको थोड़ा सा बढ़ाना है, थोड़ा सा बढ़ाना है। जो डिटेल है स्मूथनेस ये दोनों को आपको 100 कर देना है। स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। सो दोस्तों आपको है ना लास्ट ऑप्शन पे ऑप्टिक्स का ऑप्शन पे क्लिक करना है। ये दोनों ऑप्शन ऑफ है, आपको दोनों को ऑन कर देना है। कुछ इस प्रकार आपको दोनों को ऑन कर देना है। सो दोस्तों फाइनली हमारा फोटो बन चुका है। अब आपको करना क्या है, इस फोटो को सेव करने के लिए आपको करना क्या है, यहाँ शेयर वाले आइकन पर क्लिक करना है। शेयर वाले आइकन पर क्लिक करना है और आपको यहाँ सेव टू डिवाइस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा आपका फोटो फाइनली लाइटरूम से गैलरी में सेव हो। तो फाइनली दोस्तों हमारा फोटो गैलरी में कुछ इस प्रकार HD क्वालिटी में सेव हो चुका है। आई होप यह वीडियो आपको थोड़ी सी पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो फ्रेंड्स, तो आपसे हम मिलेंगे एक ऐसे ही न्यू वीडियो के साथ।